रीना रॉय और अनीता राज 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियां एक बार फिर वापस आ रही हैं, कई सालों बाद बड़े पर्दे पर। पॉपकॉर्न ने ढूंढ निकाला इन दोनों हीरोइंस को, जो अपनी अलग फिल्मों में व्यस्त हैं। मैं अब आप लोगों के बीच बहुत जल्दी आ रही हूँ, आप लोग मुझे स्क्रीन पे देखेंगे राजेश खन्ना के साथ। ये मैं फिल्म कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत अरसे से मैंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। खुशी बहुत है, एक्साइटमेंट है, बस यही उम्मीद करती हूँ कि इतने सालों के बाद अगर मैंने ये कदम लिया है तो सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो काम मैं लूँ वो अच्छा हो। जहाँ रीना रॉय अविराज द्वारा निर्देशित की जाने वाली फिल्म कभी कभी यू नेवर नो में एक पंजाबन के रोल में दिखाई देंगी, वहीं अनीता राज दिखाई देंगी नव कुमार राजू की फिल्म 24/7 बॉम्बे सैलून यूनिसेक्स में। एक पंजाबी औरत का रोल कर रही हूँ मैं, और आप लोगों को पूरा पूरा हंसाने की कोशिश करूँगी, आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। एंड राजेश खन्ना जी इज गोइंग टू वेयर अ टर्बन, सरदारों का टर्बन पहनेंगे हमारे साथ, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ये रोल ये बॉम्बे हाइट्स का, जैसे बॉम्बे हाइट्स कैसे, जो चाहे क्राइसिस हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वी ऑलवेज टुगेदर, है ना, अप्स डाउन्स, बट ये है कि हम हमेशा साथ हैं। और मेरे रोल के बारे में आप पिक्चर देखिए। वैसे फिल्म इंडस्ट्री की शायद ही कोई हीरोइन हो जिसने शादी के बाद ब्रेक ना लिया हो, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके बच्चों की परवरिश। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए फिर भागे पर्दे की तरफ। माई डॉटर इज वेरी स्मॉल, तो उनके वजह से हम घर में समय नहीं दे पाएंगे तो कैसे चलेगा, घर की भी जिम्मेदारी होती है। एंड शी इज नाउ विथ मी, तो उसके वजह से हमने और फिल्में नहीं की। दूर नहीं, मैं यहीं थी, बस यही था कि फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं और उसको पूरा कर रही थी। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ही इज पास्ट हिज 10th, तो अब थोड़ा समय है, तो व्हाई नॉट। वक्त बदल चुका है और बदल चुकी है इंडस्ट्री, साथ ही बदल चुकी है इन अभिनेत्रियों की उम्र, और ये इन हालातों से वाकिफ हैं और तैयार हैं अपने आप को नए रूप और नए सांचे में ढालने के लिए।